आईपीएल के पार्ट टू की शुरुआत हमें 19 सितंबर को एमआई और सीएसके के मुकाबले के साथ देखने को मिली कि 19 सितंबर को एमआई और सीएसके के बीच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आईपीएल के पार्ट टू का पहला मुकाबला खेला जाएगा। लेकिन आईपीएल की शुरुआत से पहले यहाँ पर आईपीएल में रिप्लेसमेंट को लेकर लगातार हमें बड़ी बड़ी खबरें देखने को मिल रही है, जहाँ पर हसरंगा को आरसीबी की टीम लगभग परचेस करने का मन बना चुकी है और हसरंगा के समेत यहाँ पर 5 और प्लेयर्स की आईपीएल में रिप्लेसमेंट के तौर पर लगभग एंट्री तय हो चुकी है। मैं इस वीडियो में आपको उन सभी प्लेयर्स के नाम बताऊंगा जिनके साथ टीमों ने रिप्लेसमेंट के तौर पर कॉन्टेक्ट किया, आपको बताऊंगा कि आखिर कौन कौन से प्लेयर्स की यहाँ पर आईपीएल के पार्ट टू में हमें हसरंगा के साथ आईपीएल में एंट्री देखने को मिली। आपको इस वीडियो में ए टू जेड सभी इंफॉर्मेशन मिलेगी, काफी डिटेल और काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगी, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी एक क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब बात करते हैं उन सभी प्लेयर्स की जिनके साथ टीमों ने रिप्लेसमेंट के लिए यहाँ पर अब तक बातचीत करी आईपीएल के पार्ट टू के लिए। अब बात करते हैं कौन कौन से प्लेयर्स के साथ टीमों ने बातचीत करी, तो इनमें सबसे पहले नंबर पर नाम आता है हसरंगा का। दरअसल हसरंगा के साथ यहाँ पर आरसीबी की टीम ने कॉन्टेक्ट किया और बीसीसीआई के साथ अप्रोच करके आरसीबी की टीम हसरंगा को अपनी टीम में इंक्लूड करना चाहती है, जहाँ पर एडम सांपा के रिप्लेसमेंट के तौर पर ये टीम हसरंगा को अपनी टीम में इंक्लूड करना चाहती है, जहाँ पर एडम सांपा आईपीएल के पार्ट टू से कम्प्लीटली बाहर हो चुके हैं और इस श्रीलंकाई स्पिनर को एडम सांपा की जगह अपनी टीम में यहाँ पर आरसीबी की टीम इंक्लूड करना चाहती है। और यहाँ पर हसरंगा के अलावा और भी 5 प्लेयर्स के साथ यहाँ पर 5 आईपीएल टीमों ने कॉन्टेक्ट किया। अगर हम बात करते हैं उन 5 प्लेयर्स की, तो इनमें सबसे पहले नंबर पर नाम आता है यहाँ पर वेस्ट इंडीज के विस्फोटक ओपनर इवन लुइस का। दरअसल इवन लुइस का पिछले 3 से 4 महीनों में T20 क्रिकेट में काफी अच्छा प्रदर्शन रहा, इसी वजह से आईपीएल के पार्ट टू में यहाँ पर रिप्लेसमेंट के लिए यहाँ पर कुछ आईपीएल टीमों ने इनके साथ कॉन्टेक्ट किया। हालांकि आईपीएल टीमों के नाम रिवील नहीं हुए हैं, लेकिन मोस्ट लाइकली या तो सीएसके की टीम ने या फिर हो सकता है राजस्थान रॉयल्स की टीम ने इनके साथ कॉन्टेक्ट किया हो। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरे प्लेयर की, तो दूसरे नंबर पर नाम आता है यहाँ पर न्यूजीलैंड के मिडल ऑर्डर बल्लेबाज ड्यूएन कोनवे का। दरअसल ड्यूएन कोनवे से यहाँ पर 3 से 4 आईपीएल टीमों ने कॉन्टेक्ट किया, जहाँ पर हैदराबाद की टीम ने, इसके साथ ही केकेआर की टीम ने, सीएसके की टीम ने और पंजाब की टीम ने इनके साथ कॉन्टेक्ट किया है। कुल मिलाकर जिन टीमों के मिडल ऑर्डर यहाँ पर वीक है उन टीमों ने आईपीएल के पार्ट टू में रिप्लेसमेंट के लिए ड्यूएन कोनवे के साथ कॉन्टेक्ट किया और मोस्ट लाइकली आईपीएल के पार्ट टू में ये किसी ना किसी टीम में कंफर्म रूप से रिप्लेसमेंट के तौर पर उपलब्ध हो जाएंगे। अब बात करते हैं तीसरे प्लेयर की, तो तीसरे नंबर पर नाम आता है यहाँ पर एलेक्स हेल्स का। दरअसल एलेक्स हेल्स यहाँ पर इंग्लैंड की टीम में लगातार क्रिकेट ना खेलने के कारण अब ये वर्ल्ड वाइड सभी T20 लीग में उपलब्ध होते और इसी वजह से यहाँ पर आईपीएल के पार्ट टू में ये कन्फर्म रूप से उपलब्ध होंगे। इसी वजह से इनके साथ राजस्थान रॉयल्स की टीम ने कॉन्टेक्ट किया, इवन आरसीबी की टीम ने भी इनके साथ बातचीत करी है। तो एलेक्स हेल्स की भी आईपीएल के पार्ट टू में कन्फर्म रूप से एंट्री होने वाली है, किसी ना किसी टीम में ये 100% कन्फर्म रूप से एंटर कर जाएंगे। अब बात करते हैं इस लिस्ट में प्लेयर की, तो चौथे नंबर पर नाम आता है वेस्ट इंडीज के ओपनर लिंडल सिमंस का। दरअसल वेस्ट इंडीज के विस्फोटक ओपनर लिंडल सिमंस के साथ भी यहाँ पर 2 से 3 आईपीएल टीमों ने कॉन्टेक्ट किया, जहाँ पर पिछले 6-8 महीनों में लिंडल सिमंस ने T20 क्रिकेट में वेस्ट इंडीज के लिए सबसे अधिक रन बनाए है और यहाँ पर इनके फॉर्म को देखते हुए आईपीएल के पार्ट टू में अब टीम इनको रिप्लेसमेंट के तौर पर अपनी टीम में इंक्लूड करना चाहती है और इनका भी आईपीएल के पार्ट टू में यहाँ पर हसरंगा की तरह रिप्लेसमेंट के तौर पर आना 100% कन्फर्म दिख रहा है। तो कुल मिलाकर लिंडल सिमंस आईपीएल के पार्ट टू में रिप्लेसमेंट के तौर पर एंटर हो जाएंगे। अब बात करते हैं पांचवें और आखिरी प्लेयर की, तो पांचवें और आखिरी नंबर पर नाम आता है ग्लेन फिलिप्स का। दरअसल यहाँ पर न्यूजीलैंड के विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स के साथ भी यहाँ पर 2 आईपीएल टीमों ने कॉन्टेक्ट किया है, जहाँ पर मोस्ट लाइकली या तो एमआई की टीम ने या फिर हो सकता है कि इनके साथ केकेआर की टीम ने कॉन्टेक्ट किया हो। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ग्लेन फिलिप्स के साथ हो सकता है दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने भी कॉन्टेक्ट किया हो। तो कुल मिलाकर इन टीमों ने यहाँ पर ग्लेन फिलिप्स के साथ या फिर इन प्लेयर्स के साथ अब यूएई में रिप्लेसमेंट के तौर पर हाल फिलहाल में कॉन्टेक्ट किया है। आप कमेंट करके बताइए आपकी फेवरेट टीम को आखिर इनमें से कौन से प्लेयर को रिप्लेसमेंट के तौर पर अपनी टीम में इंक्लूड करना चाहिए और आपके अकॉर्डिंग 19 सितंबर को होने वाले एमआई और सीएसके के मुकाबले में आखिर कौन सी टीम जीत के साथ शुरुआत करेगी, आप अधिक से अधिक कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।